परिवार में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको पाठ्यक्रम के बारे में विस्तार से बता रही थी, पाठ्यक्रम के जो उसके उद्देश्य थे, पाठ्यक्रम के मैंने आपको पिछली बार उसकी प्रक्रिया के सोपान बताए। अब जो हमारी वीडियो है उसमें मैं आपके सामने पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत लेकर आई हूँ कि पाठ्यक्रम निर्माण के क्या सिद्धांत होते हैं। जहाँ हम प्रक्रिया में हमने इसको बनाया, कहते हैं हम जब किसी कार्य को बनाया, हमने उसका निर्माण किया। जब हम निर्माण करते हैं या हम कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए हम अपने एक सिद्धांत बनाते हैं कि हमें इन सिद्धांतों पर रहकर हमें इस कार्य की या हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करना है। कहते हैं कि जब तक हमारे सिद्धांत अर्थात हमारे खुद के नियम, हमारे कहते हैं कि कार्य को अनुशासित करने के लिए, कार्य को पूरा करने के लिए सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हमने किसी भी कार्य की प्रक्रिया शुरू की है, उसे निर्माण किया है, तो हम बिना सिद्धांत के, कहते हैं कि वो सिद्धांत हमें हमारा एक पथ प्रदर्शक होता है, उन सिद्धांतों पर रहते हुए हम हमारे कार्य को आगे बढ़ाते हैं। अगर उनके अंदर हमारे उन सिद्धांतों का, उन नियमों का हमारा समावेश नहीं होता है तो हमारा वो कार्य पूर्ण नहीं होता है। अगर हम सिद्धांत के लिए कहें तो सिद्धांत एक हमारे मस्तिष्क की उपज होती है, यानी हम जो नियम बनाते हैं, किसी को देखकर बनाते हैं, किसी के कार्य की रूपरेखा बनी हो उसे देखकर बनाते हैं, या स्वयं हम अपने मस्तिष्क से इसके विचारों से हम इन सिद्धांतों का हम निर्माण करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बिना सिद्धांत के हम कोई भी कार्य पूरा नहीं कर सकते। उसी में ही पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत में मैं आज जो सिद्धांत लेके आई हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है, और आप इसको, जो भी मैं सिद्धांत आपको लिखवा रही हूँ वो आप अपनी जो अपनी कॉपी है उसमें लिखें। तो ये है हमारे पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान। तो सबसे पहला है हमारा, हम कहते हैं कि पाठ्यक्रम जब बना किसके ले रहे हैं। अगर हम कहें कि आज की जो एजुकेशन है, अगर हमें तुलना करने बैठे हम प्राचीन और हमारी आधुनिक एजुकेशन में, तो हमने पहले भी पढ़ा था कि प्राचीन एजुकेशन में हम शिक्षक पर, यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम था वो शिक्षक केंद्रित था, जो पहले बाल केंद्रित ना होकर उसमें शिक्षक की भूमिका थी। लेकिन जो आज का जो पाठ्यक्रम बना रहे हैं, पाठ्यक्रम का जो सिद्धांत है वो सबसे पहला, क्योंकि पाठ्यक्रम केंद्रित है विद्यार्थी पर, बालक पर, इसीलिए जो फर्स्ट हमारा सिद्धांत है वो ये है कि पाठ्यक्रम हमारा बाल केंद्रित का सिद्धांत होना चाहिए, अर्थात विद्यार्थी पर केंद्रित होना चाहिए, उसके अनुसार उसका पाठ्यक्रम होना चाहिए। जिस कक्षा में है, जिस मानसिक योग्यता उसमें है, जो योग्यता, उसके अनुसार हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। तो पहला जो हमारा सिद्धांत है इसके ऊपर, वो हमारा सिद्धांत है विद्यार्थी केंद्रित का सिद्धांत, जिसे हम कह सकते हैं बाल केंद्रित का, बाल केंद्रित यानी कि जो बालक पर फोकस करता हो और उसी पर ही आधारित हो। तो ये है हमारा बाल केंद्रित सिद्धांत, यानी कि पाठ्यक्रम का फर्स्ट सिद्धांत हो गया हमारा विद्यार्थी केंद्रित या बाल केंद्रित। सेकंड है हमारा क्रिया केंद्रित, सेकंड है हमारा क्रिया केंद्रित। अगर क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को हम देखें तो क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को हम एक शब्द में कहेंगे काम करना, यानी कि जिसमें अगर हम यहाँ कार्य कौन कर रहा है, विद्यार्थी, और काम करना क्या कर रहे हैं, सीख रहे हो, तो ये हो गया काम करना, सीखना। इसमें क्रिया केंद्रित जो बालक को काम करना सिखाए, अर्थात इन्होंने कहा है कि हमने देखा है हमारा जो आज का पाठ्यक्रम है वो क्रिया केंद्रित है। हम जो शिक्षक हैं बच्चों को कार्य करवाते हैं, पढ़ाते हैं उन्हें, पढ़ाने के बाद उनको क्लास वर्क में देते हैं कि बच्चा स्वयं करे, बच्चों के लिए होमवर्क दिया जाता है कि बच्चे स्वयं करें, बच्चों को प्रैक्टिकल कार्य दिया जाता है कि बच्चे स्वयं करें। अर्थात आज का हमारा जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, क्रिया केंद्रित, अर्थात काम करना सीखने के लिए, जिसे हम कहें कि हम काम कर सकें, तो हमारा हो गया काम करना सीखना या काम करके देखना, तो ये हमारा आता है क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम में। थर्ड है हमारा पाठ्यक्रम लचीलेपन का। कहा है कि पाठ्यक्रम हो या हमारी कोई भी आवश्यकता हो, तो पाठ्यक्रम कहते हैं ना, जिस तरह से हमारी आवश्यकताएं परिवर्तित होती रहती,
विद्यार्थियों की छात्रों की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम को ऐसा होना चाहिए कि वो पाठ्यक्रम हम समय के अनुसार हम उसमें थोड़ा परिवर्तन कर सके, अर्थात उसके अंदर थोड़ा लचीलापन होना चाहिए, थोड़ी सरलता होनी चाहिए कि आवश्यकता के अनुसार, या कहें हम पाठ्यक्रम में ऐसा समावेश होना चाहिए जो हम थोड़ा बहुत हम समय के अनुसार उसमें परिवर्तन कर सके और वह परिवर्तन हमारा उसमें आसानी से हो जाए। इतना नहीं कहते ना कि हम कुछ ज़्यादा परिवर्तन कर लेते हैं तो वो कार्य पूरा ही परिवर्तित हो जाता है, लेकिन यहाँ लचीलेपन का मतलब ये है कि जहाँ हमारा पहले की जो उसमें नीतियाँ या कुछ कार्य उसमें समावेश हैं उसे हम थोड़ा और आगे उसको बढ़ाकर उसके अंदर थोड़ा परिवर्तन करें। इसीलिए कहते हैं कि हमारा पाठ्यक्रम थोड़ा लचीला होना चाहिए जिससे कि हम उसमें आवश्यकता के अनुसार हम उसमें थोड़ा परिवर्तन कर सकें। फिर है हमारा विविधता। विविधता का मतलब होता है विभिन्न, अलग अलग। कहते हैं कि हमारा देश भी विविधता में एकता स्थापित करने वाला है, यानी कि हम विभिन्न विभिन्न लोग रहते हैं, विभिन्न समाज के, विभिन्न जाति के, विभिन्न संप्रदाय के, लेकिन हमारा भारत कहा जाता है कि विविधता में एकता की निशानी है। उसी तरह से इसमें पाठ्यक्रम के लिए भी कहा जाता है कि जो हम पाठ्यक्रम बना रहे हैं, व्यक्ति कहते हैं ना कि हम व्यक्ति विभिन्न विभिन्न प्रकार के व्यक्ति होते हैं, हम सभी का जो IQ समान नहीं होता, सभी के कार्य प्रणाली समान नहीं होती, सभी की आवश्यकताएं सब समान नहीं होती, तो इसमें कहा गया कि उसी विविधता का इसमें समावेश होना चाहिए कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें कि हम सभी जो हमारी पूर्तियाँ हैं, सभी व्यक्ति का कमजोर हो, अमीर हो, कहते हैं कि जो मानसिक योग्यता से कमजोर हो, शारीरिक रूप से कमजोर हो, उन सबके लिए ऐसा पाठ्यक्रम हम तैयार करें जो कि ये सभी आपूर्तियों को, जो सब हमारे जो उद्देश्य है वो सभी के उद्देश्य से पूरे हो सके। तो इसमें कहा गया कि विविधता होनी चाहिए पाठ्यक्रम में, विविधता में एकता जैसा होना चाहिए कि सभी के लिए अलग अलग होते के लिए होते हुए भी और वो पाठ्यक्रम सभी के लिए तैयार हो और वो उनमें सभी का, कहते हैं ना आज जो हमारी एजुकेशन, कह रहे हैं ना आज जो हमारी एजुकेशन समावेशी चल रही है उसमें भी हमने देखा है कि सभी प्रकार के बच्चों का उसमें समावेश होता है, तो उसी तरीके का हमारा आज का पाठ्यक्रम है कि पाठ्यक्रम में भी हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें कि विविध होते हुए भी हमें एक लगे और हमारा उसका कार्य, जो हम कार्य करने बैठे हमारा वो कार्य भी उसमें कंप्लीट हो जाए। फिर है हमारा एकीकरण में सहसंबंध। एकीकरण का है इसमें कि जिसमें हम जब कोई कार्य करते हैं, जब हम छोटे छोटे भागों में उसे विभाजित करते हैं और फिर हम उसका एकीकरण करते हैं, अर्थात हम उसे सभी चीज़ हम उसे एक साथ हम उसका समावेश कर लेते हैं, वो हमारा एकीकरण। तो इसने कहा है कि एकीकरण या सहसंबंध, अर्थात हम जो पाठ्यक्रम बनाते हैं, हमारा पाठ्यक्रम जो बनता है, कहते हैं कि हम जब पाठ्यक्रम बनाते हैं तो पाठ्यक्रम में जिन विषयों का समावेश होता है उन विषयों का एक दूसरे विषयों के साथ हमारा क्या होना चाहिए, कोरिलेशन होना चाहिए, या हम कहें कि व्यक्ति का समाज से, समाज का विद्यालय से, विद्यालय से हमारे परिवार का, इन सब का एक सहसंबंध, इस तरीके का हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए कि जो हमें हमारी व्यक्ति, हमारे सामाजिक, हमारी जो कहते हैं कि हम जो जिस विषय, जिस शिक्षा को हम ले रहे हैं, इन सब का आपस में सहसंबंध हो। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम जब पाठ्यक्रम में सहसंबंध करने जाते हैं तो हम सहसंबंध किसका करते हैं, विषयों का, यानी कि हम जो विषय चुनने जा रहे हैं या विषय जो हम उस पाठ्यक्रम का विषय बनाने जा रहे हैं तो वो पाठ्यक्रम उन विषयों का एक दूसरे से संबंध होता है और वो सहसंबंध हमारा किससे होता है, इन क्रियाओं का। और कहते हैं पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसका संबंध किससे हो, हमारे जीवन से। कहते हैं पाठ्यक्रम का संबंध, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि पाठ्यक्रम का संबंध जब व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ है, जब अपने समाज, परिवार से, विद्यालय से, तो ये कहते हैं कि हमारा पाठ्यक्रम जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। जीवन किसको जीना होता है, व्यक्ति को। कहते हैं पाठ्यक्रम हमारा ऐसा है जो हमें जीवन जीने का तरीका भी हमें पाठ्यक्रम के आधार पर पता चलता है। थर्ड है इसमें, जब हम कहें कि विषय और क्रियाओं का इसमें संबंध है, तो हमने देखा है कि विषयों में जो इकाई योजना है उनका संबंध हमारा किससे होता है, हमारे प्रकरण से। हमने देखा है कि हम जब पाठ्यक्रम हमारा बनता है उसमें जब हमारे
जो पाठ्यचर्या हम बनाते हैं उस पाठ्यचर्या में प्रत्येक विषयों का हम इकाई के द्वारा उनका विभाजन करते हैं। तो हम देखते हैं कि जब हमारी इकाइयों का जब विभाजन हो रहा है तो वो इकाइयों का विभाजन भी हमारा उस पुस्तक के आधार पर, उस विषय वस्तु के टॉपिकों के आधार पर है और उसी के आधार पर हमारी इकाई योजना बनाई जाती है और इकाई योजनाओं के प्रत्येक जो टॉपिक होता है उससे हमारा कौन प्रकरण जो हमारा टॉपिक होता है उसका भी संबंध होता है। यानी इकाई योजना बनाने से हमारा प्रकरण तक का जो सफर होता है उसमें भी हमारा सहसंबंध होना चाहिए। अर्थात हम कहें कि इसमें ऐसा समावेश, ऐसा एकीकरण होना चाहिए जो कि एक दूसरे विषय से जुड़े रहे। एक दूसरे विषय के कहते हैं ना कि एक दूसरे विषय से जब जुड़े रहते हैं तो उन विषयों में हम कहते हैं हमारी रुचि पूरी होती है, हम इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। तो इन सब का बताया इसमें कि जो सहसंबंध होता है प्रत्येक विषयों में होता है, इन सब में एक सहसंबंध होना चाहिए, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जो कि हमारे इसके अंदर अंतर ना बनाए बल्कि हमारा इसके अंदर विषयों के अंदर, इकाई के अंदर, प्रकरण के अंदर हमारे इन सब के साथ एक सहसंबंध स्थापित करे। फिर है हमारी अनुभव की समग्रता। आप कहें अनुभव, कहना है ना कि अनुभव के बिना तो हम कोई कार्य कर ही नहीं सकते। अगर जिस कार्य में अनुभव का समावेश नहीं होता वो कार्य कभी भी प्रभावशाली नहीं होता। तो इसमें वही चीज है अनुभव की समग्रता, जिसमें पूरा अनुभव समाया हुआ हो, ज्यादा से ज्यादा उसमें अनुभव। आप कहें कि यहाँ अनुभव हमारे किसके आते हैं, तो हम देखते हैं कि जब पाठ्यक्रम निर्माण करते हैं, जो पाठ्यक्रम बनाते हैं, तो वो पाठ्यक्रम हमारे विषय विशेषज्ञ, जिसे हम कहें अनुभवशाली व्यक्ति ही इस पाठ्यक्रम को तैयार करता है। तो कहते हैं कि पाठ्यक्रम बनाएं, जब पाठ्यक्रम हम तैयार करवाएं तो पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए सबसे पहले उसमें अनुभव का समावेश होना चाहिए। अगर अनुभव जितना अच्छा होगा या जितना ज्यादा होगा पाठ्यक्रम हमारा उतना ही प्रभावशाली होगा। इसीलिए हम कहेंगे कि पाठ्यक्रम का जब हम सिद्धांत बना रहे हैं तो उस पाठ्यक्रम को बनाने में उसमें अनुभव का समावेश होना चाहिए। थर्ड है हमारा उपयोगिता। उपयोगिता जो मैंने बताई कि अगर हम पाठ्यक्रम बना रहे हैं तो पाठ्यक्रम को बनाने के लिए, पाठ्यक्रम बनाने का हमारा क्या रीजन है, पाठ्यक्रम बनाने का हमारा रीजन है हमारी उपयोगिता को पूरी करना, कि हम किस तरीके से हमारी उपयोगिता पूरी करते हैं। तो जो हमारे शिक्षाविद थे नैन, उन्होंने भी ये चीज कही है कि जब हमारी उपयोगिता हमारी वर्तमान और हमारे भविष्य पर आधारित है तो उसमें कहा गया है कि व्यक्तियों की वर्तमान व भविष्य की उपयोगिता को देखते हुए या उपयोगिताओं की पूर्ति करवाने हेतु ऐसा हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए जो कि हमारे व्यक्ति की, जो हमारे कहते हैं ना कि हम हमारी उपयोगिता, हमारे वर्तमान में हमें क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना है, या हम कहें कि एट प्रेजेंट हमारी किस चीज़ की हमारी आवश्यकता है, उस आवश्यकता को हम देखते हैं, वो आवश्यकता हमारी उपयोगिता होती है, उस उपयोगिता को देखते हुए ही हम कार्य करते हैं। हम कहें कि जिस टाइम अगर हमें भूख लग रही हो और हमें कोई कहे कि आप खाना ना खाकर, या हम कहें कि हमें कोई और कार्य बता दिया जाए, तो क्या हम वो कार्य कर सकते हैं, नहीं। लेकिन कहते हैं कि जिस समय हमें जिस चीज़ की आवश्यकता है, हम ये कहें कि सर्दी है और हम सर्दी में कूलर चलाएं या पंखा चलाएं, क्या हमारी उपयोगिता है वो, हमारी आवश्यकता है वो, नहीं। तो इसीलिए कहा गया है कि पाठ्यक्रम भी ऐसा होना चाहिए जिसमें उपयोगिता का समावेश हो, कि हमें किस समय किस चीज़ की उपयोगिता होती है उसे ही ध्यान में रखते हुए हमारे पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। तो ऐसे है श्री नैने जी, उन्होंने भी यही बात कही है कि व्यक्तियों की वर्तमान और भविष्य की उपयोगिता को देखते हुए हम क्या करते हैं, पाठ्यक्रम तैयार करते हैं। फिर आता है हमारा सुरक्षा। सुरक्षा के लिए कह सकते हैं हम, इसमें ये कहा जाता है कि पाठ्यक्रम जो है वो हमारी संस्कृति और सभ्यता इसको भी सुरक्षित रखते हैं। कहते हैं जब हम पाठ्यक्रम बनाते हैं तो हमारे पाठ्यक्रम में हमारी संस्कृति को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, किस तरीके से संरक्षित करना है,
किस तरीके से हमें एक सभ्य व्यक्ति बनाता है, एक सभ्य इंसान बनाता है, ये भी हमारे एक पाठ्यक्रम में। तो कहते हैं कि ये हमें एक सुरक्षा प्रदान करते हैं कि किस तरीके से व्यक्ति स्वयं की सुरक्षा करे, अर्थात वो अपनी सभ्य होने की सुरक्षा प्रदान करे, वो अपने जो कल्चर है, अपनी सभ्यता है, उसे किस तरह से सुरक्षित रखे, ये भी हमें हमारा पाठ्यक्रम सिखाता है। तो कहते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में सुरक्षा का समावेश होना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम हमारे जो भी हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति है, उसे हम सुरक्षित रखते हुए आगे आने वाली पीढ़ी को उसके विकास करते हुए उसे हस्तांतरित करें। नेक्स्ट है हमारा लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। कहते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में लोकतंत्र मूल्यों का समावेश है, जैसे कि हमारे जो यहाँ की आज की जो हमारी प्रणाली है, हमारी शासक प्रणाली है, वो भी हमारी लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक है। इसमें भी जिस तरह से हम कहते हैं ना कि हमारे सभी उसका समावेश है, जनता का उसमें पूरी भागीदारी है, जनता जिस तरह से कार्य करवाती है, शासक चुनती है, वही शासन चुना जाता है, उसी तरह से इसमें कहा गया है कि हमारे पाठ्यक्रम को भी ऐसा होना चाहिए। इसके अंदर हम हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी और हम कहें कि उच्च माध्यमिक, इन सबका जो हमारा सभी को देखते हुए हमारा सबका अधिकार, जो इनका पूरा अधिकार है, प्राइमरी का अपना है, मिडिल का अपना है, सेकेंडरी का अपना है, हायर सेकेंडरी का अपना है। तो कहते हैं ये भी एक इन सबका समावेश है इसके अंदर। ये सब प्रत्येक अपने जो कहते हैं अपने कक्षा अनुसार अपना पाठ्यक्रम चाहते हैं। तो इसीलिए ये लोकतांत्रिक प्रणाली को देखते हुए हमारा जो पाठ्यक्रम बनता है, हम कहते हैं कि प्राइमरी का, हम कहें इसमें सेकेंडरी का, हम कहें उच्च सेकेंडरी का, जो हमारे हाई सेकेंडरी का, तो ये हमारा एक पाठ्यक्रम लोकतांत्रिक प्रणाली के ऊपर ही आधारित है। तो कहते हैं हमारा पाठ्यक्रम भी एक लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पर ही तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा अग्रदर्शिता। अग्रदर्शिता यानी आगे देखने वाला, अग्रविंस आगे, आगे दर्शिता यानी देखना, जो आगे देखने वाला। कहते हैं कि हमारा पाठ्यक्रम ऐसा हो कि आगे की भी जान सके। हम देखते हैं कि आज जो हम अपनी एजुकेशन, जो हम शिक्षा लेते हैं, वो शिक्षा हम इसलिए लेते हैं कि वो शिक्षा हमारे आगे आने वाले जीवन में हमारे काम आए। तो उसी के लिए कहा गया है कि पाठ्यक्रम हमारा ऐसा, विद्यार्थी जो सोचते हैं, जो उनकी उपयोगिता है भावी जीवन के लिए, तो वही हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए कि जो विद्यार्थियों के सामने आगे आने वाली समस्याएं हैं, उन समस्याओं से वो लड़ सके, या कहें उन समस्याओं के लिए वो तैयार रहे, ऐसा देखते हुए, आगे की सोचते हुए हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए, जिसे कि हम आगे देखें, आगे सोचता रहे, ऐसा हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। हमारे फ्यूचर में, हमारे भविष्य में होने वाली हमारी समस्याओं का, ये जिन समस्याओं से हम निपट सकें, ऐसा हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए, जो हमें आगे की ओर अग्रसित करें, आगे की ओर हमारे भविष्य में होने वाली समस्याओं को हमें पहले से सचेत करें। तो ऐसा हमारा पाठ्यक्रम तैयार होना चाहिए, और यही अग्रदर्शिता का पाठ्यक्रम हमारा आजीविका का साधन बनती है, जो कि आज हमारी शिक्षा का महत्वपूर्ण है। कहते हैं शिक्षा हमारी आज के टाइम पे आजीविका का साधन बन चुकी है। फिर है हमारा रचनात्मक प्रशिक्षण, कि जो हमारा रचनात्मक प्रशिक्षण, सृजनात्मक या रचनात्मक। कहते हैं कि कुछ बच्चे जो कि जन्मजात होते हैं पीपीपी में, तो कहते हैं कि जब इनको आगे बढ़ाना होता है, वो ही रचना उनके, जो उनके अंदर जो गुण है, उस गुण को आगे बढ़ाने के लिए हम कहते हैं कि ऐसा हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए, जो हमारे इन ऐसे गुणों को, सृजनात्मक गुणों को हमारे आगे की ओर बढ़ा सके, ऐसा हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए, ऐसा प्रशिक्षित करने वाला हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए, जिससे कि वो जो हम सृजनात्मक शक्तियाँ हैं हमारी, जो आगे बढ़ सके। इसी के लिए हम कहते हैं कि जो हमारे रेमांड थे, रेमांड ने भी यही चीज़ कही थी कि व्यक्ति के जो बच्चों का जो सृजनात्मक विकास है, बच्चों का सृजनात्मक विकास पाठ्यक्रम के या पाठ्यक्रम में छुपा हुआ होता है, विकसित करने के लिए। कहते हैं कि हमें जब इसे विकसित करना होता है, आगे बढ़ाना होता है, वो हमारा इस प्रशिक्षण में, इस पाठ्यक्रम में। कहते हैं कि पाठ्यक्रम हमें किस तरह से
शिक्षित करता है, ये हमारा इसके अंदर छुपा होता है। तो कहते हैं कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो ऐसा होना चाहिए जो हमें रचनात्मक तौर पर भी हमें आगे की ओर विकसित करें। फिर नेक्स्ट है हमारा समन्वय का। कहते हैं पाठ्यक्रम एक समन्वय का सिद्धांत है। कहते हैं समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सामंजस्य बिठाना। कहते हैं व्यक्ति जो अपनी शिक्षा ले रहा है अपने समाज से अपना संबंध है। कहते हैं समाज परिवार विद्यालय जिसे हम शिक्षा भी कह सकते हैं, इन तीनों में एक समन्वय रखता है। कहते हैं कि हमें जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं, कहते हैं हम जब विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तब से हमें समन्वय करना सिखाया जाता है। तो पाठ्यक्रम में भी वही चीज़ है कि पाठ्यक्रम भी हमारा ऐसा हो जो हमें संतुलन समन्वय बिठाना सिखाए कि किस टाइम हमें किस चीज़ की आवश्यकता है हम उसे ग्रहण करें, उससे हम अपना समन्वय बिठाएं कि हमें किस समय हमारी किस चीज़ की आवश्यकता है। सार्थकता, नेक्स्ट पॉइंट हमारा सार्थकता, अर्थात जो हमें सार्थकता प्रदान करती है, जिसकी कहते हैं ना कि सार्थकता होती है अगर हम किसी कार्य को करते हैं और वो कार्य हमारा पूर्ण होता है, जिस उद्देश्य को लेके हम जो कार्य करते हैं और उस उद्देश्य की हमारी पूर्ति हो जाती है तो वो हमारे लिए सार्थक हो, जो ज्ञान हमने लिया है वो हमारे लिए सार्थक है, अर्थात सही है, सच है, प्रमाणित है। कहते हैं कि जब हमारा जो पाठ्यक्रम है वो ऐसा होना चाहिए कि जो उद्देश्य हम लेके चले उसके लिए हमें सार्थकता प्रदान करे, अर्थात उसकी हमारी पूर्ति करवाए और हमें सत्यता से उसकी पूर्ति करवाए। तो कहते हैं कि पाठ्यक्रम में सार्थकता का होना अनिवार्य होता है, सत्यता का होना अनिवार्य होता है, जिसे कि हम अच्छे से पूरा कर सकें। नेक्स्ट है विकास की सतत प्रक्रिया। कहते हैं कि जिस तरह से शिक्षा निरंतर चलती है तो शिक्षा के साथ हमारा पाठ्यक्रम भी चलता रहता है। तो पाठ्यक्रम के लिए भी कहते हैं कि पाठ्यक्रम सतत प्रक्रिया अर्थात निरंतर चलने वाली है। जिस चीज़ का हम ज्ञान लेंगे, जिसकी बारे में हम शिक्षा ग्रहण करेंगे, उसी का ही पाठ्यक्रम निरंतर हमारे साथ चलता रहता है। और वो पाठ्यक्रम जब हम जिस उद्देश्य को लेकर पूरा करते हैं और वो उद्देश्य पूरा होता है तो वही पाठ्यक्रम आजीवन हमारे काम आता है। तो कहते हैं पाठ्यक्रम हमारी एक सतत अर्थात निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अवकाश का सदुपयोग, इसमें कहा जाता है कि पाठ्यक्रम हमें जो हमारा खाली समय होता है उसे हमें किस तरीके से पूरा करना है ये भी हमें सिखाता है। हम देखते हैं जब हम विद्यालय में या महाविद्यालय में पढ़ते हैं, हम जो हमारा कहते हैं कुछ टाइम हमारा खाली होता है, जो हमें हमारी अनेक जो पाठ्यसगामी क्रियाएं होती हैं उनके साथ हमारा जोड़ दिया जाता है, अर्थात पाठ्यक्रम हमें उस खाली समय का सदुपयोग करना भी सिखाता है। हम कहें कि हम कुछ खेलने लगते हैं, हमारे खेलने का भी होता है, कहते हैं हमें शारीरिक शिक्षा दी जाती है, हमें व्यायाम कराया जाता है, तो ये सब चीज़ें हमारी क्रियाओं के जो हमारे पाठ्यक्रम है उसके अहम हिस्सा होता है। तो जो हमारा खाली समय होता है वो भी हमारा किस तरीके से हमें उपयोग में लेना है ये हमें हमारा पाठ्यक्रम सिखाता है। नेक्स्ट है जीवन की तैयारी, के हमारे भावी जीवन की तैयारी में हमारे पाठ्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। हम जो हमारे जीवन में बनना चाहते हैं उस जीवन की तैयारी के लिए, उस जो उद्देश्य हम ले रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें पाठ्यक्रम सबसे जरूरी होता है। इसके लिए हम कहें कि जीवन में हम जैसा बनना चाहते हैं उसके लिए हमें जो जीवन की हम तैयारी करते हैं आगे उसके लिए हमारे पाठ्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण काम है। इसमें नेक्स्ट सवाल है स्थानीय परिस्थितियाँ। कहते हैं हमारे आसपास के वातावरण की जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो समस्याएँ होती हैं, उनका समावेश भी हमारे पाठ्यक्रम में होता है। आसपास हमारे वातावरण में घटित होने वाली घटना परिस्थितियाँ, इनका भी कहीं ना कहीं हमारे पाठ्यक्रम पर असर दिखाई देता है और इसके आधार पर भी हमारे पाठ्यक्रम तैयार होते हैं। जो स्थान विशेष से संबंधित होता है, यानी कि स्थान से संबंधित उपज होने वाली परिस्थितियाँ भी हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा होती हैं। श्रम के प्रति आदर, कहते हैं कि पाठ्यक्रम में हम कहें कि श्रम के प्रति आदर करना भी सिखाता है। जैसे हम कहें कि हम जो बुनियादी शिक्षा, जो बेसिक शिक्षा लेते हैं वो हमें इसी चीज़ की शिक्षा देते हैं, यानी कि हमने देखा है कि जब व्यक्ति अपना कार्य करते हैं, कुछ हाथ का काम करते हैं, तो वो क्या होते हैं कि कुछ हीन भावना में आते हैं कि हमें ये कार्य कर
नाम से संबोधित कर दिया जाता है। लेकिन नहीं, इस काम को भी जो हम करते हैं, जो कहते हैं हम कढ़ाई सिलाई बुनाई, जो हम बेसिक शिक्षा में हमारे आते हैं, इन चीज़ों का जो हम हस्तशिल्प तरह का कार्य करते हैं, ये सब कार्य इनके प्रति भी हमारे एक शिक्षा में, एक पाठ्यक्रम में इनका एक अलग से स्थान है। तो ये सब क्यों किया, पाठ्यक्रम में सम्मिलित इसीलिए किया कि उस श्रम के प्रति हमारे अंदर सम्मान की भावना जागृत हो। तो पाठ्यक्रम के लिए कहते हैं श्रम के प्रति आदर की भावना भी जागृत करता है। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त कार्य का सिद्धांत, अर्थात सारा मिला जुला जो हमारे पाठ्यक्रम में जो कार्य होता है, जो संयुक्त कार्य होता है कि कौन कौन से हमारे कार्य इसमें होते हैं संयुक्त, हम कहें कि मिलके हमें जो सबसे पहले हमारे पाठ्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, किस तरीके से हम उस पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं संयुक्त यानी कि मिला हुआ। तो इसमें सबसे पहले हम कहें कि इसमें क्या करते हैं हम, पाठ्यक्रम विकास, इसके लिए हमारा पाठ्यक्रम विकास होता है। संयुक्त कार्य पर जब हम कार्य करते हैं तो सबसे पहले हम क्या होता है हमारे पास विषय विशेषज्ञ, यानी कि इनके द्वारा हम हमारा पाठ्यक्रम तैयार होता है। फिर हम करते हैं इसमें जब विषय का ज्ञाता है तो वो क्या करेगा, पाठ्यक्रम विशेषज्ञ भी बन जाएगा, अर्थात अगर विषय जानेगा तो विषय के आधार पर वो अपना पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, और जब पाठ्यक्रम तैयार करेंगे तो पाठ्यक्रम को वो विकसित भी करेंगे, यानी कि पाठ्यक्रम को विकसित करने का तरीका भी उनके पास होगा कि किस तरीके से पाठ्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना है। और पाठ्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना है तो वो पाठ्यक्रम कौन दे रहा है हमारा, पाठ्यक्रम उपदेशक, यानी कि वो अपना उपदेश देके बता रहे हैं। और लास्ट में हम इसके लिए लेते हैं हमारी तकनीकी काम में, उपदेशक क्या काम में लेंगे हमारी तकनीकी, और तकनीकी को लेकर जो शिक्षा अभ्यास करेंगे वो इसे ग्रहण करेंगे। तो ये हमारी एक प्रणाली है पाठ्यक्रम संयुक्त प्रणाली की, इस आधार पर हमारे पाठ्यक्रम को एक संयुक्त सिद्धांत पर, इस संयुक्त प्रणाली पर हम कार्य करते हैं। ये था मेरे आज के पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। धन्यवाद।